Happy birthday, dear Santa. Oh no! अंदर से चॉकलेटी है. No! Jingle bells all the way. Merry Christmas, guys. वैसे तो शायद ये वीडियो क्रिसमस से पहले ही जाएगा, बट यार मैं तो अभी से क्रिसमस वाली मूड में हूँ. वो तो आप मुझको देख के भी समझ सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में अभी आपको दो नहीं बल्कि तीन क्रिसमस ट्रीज दिख रही है. एक, दो, तीन, है ना? बताओ. तो गाइस, आज की वीडियो में मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ क्रिसमस मेरी तरीके से, क्योंकि मेरा तरीका बिल्कुल ही पागलों वाला तरीका होता है. एंड आज की वीडियो में मैं स्पेशली ऐसे केक्स खाऊंगी जिसको देख के ही आपको क्रिसमस वाली यादें आएगी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं क्रिसमस ट्री को भी केक की तरह खा जाने वाली हूँ. साथ ही में मैं सैंटा को भी खा जाने वाली हूँ. समझ सकते हो, सोच सकते हो, नहीं ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो. एंड गाइस, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त है. आप फ्री में लाइक कर सकते हो यार, कर दो. टारगेट रखते हैं 99,000 लाइक्स का. कर देना प्लीज. एक, दो, तीन, चार, साढ़े चार, पाँच, छः और भी हैं. मेरे हाथ में नहीं आएंगे, क्या कर सकते हैं. और हाँ, बता दूँ यार, ये जो क्रिसमस ट्रीज देख रहे हो ना, 6, 6, 7, 7, ये सारे क्रिसमस ट्री, साथ ही में ये टोपी और ये जितने भी केक आप ये वीडियो में देखोगे, किसने खरीद के दिया है मुझे, गेस करो. किसी ने नहीं दिया, मैं खुद के पैसों से खरीदी हूँ गाइस. तो सोच सकते हो ना, मतलब प्लीज लाइक कर देना. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Hey! Oh no! Good morning, Neelhart. यार good morning क्यों? मुझे तो Merry Christmas बोलना चाहिए. तो I know कि मेरा गाना तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात था, but आपको ये केक तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा यार. आप देखो, इसके ऊपर खुद सैंटा का फेस बना हुआ है. हैप्पी बर्थडे सैंटा. और मैं सच्ची बताती हूँ आपको, मुझे केक्स इतने ज्यादा पसंद है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ. तो चलो बिना बताए अभी कट करते हैं. टिंग 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 टिंग. ठीक है, मेरा ब्रेकफास्ट का पहला बाइट बिल्कुल वाइट क्रीमी. सो गुड. मैं ना चाहती हूँ ये जो गोल सैंटा है, इस पार्ट को काट के खा जाऊं. खा सकते हैं? मुझे लिटरली लग रहा है ना, मैं इस केक की मर्डर कर रही हूँ. A few moments later. हो गया! Can you see it? पूरा सैंटा का फेस मैंने काट के निकाल दिया यार. मतलब सही में बोल रही हूँ, किसी को प्लास्टिक सर्जरी कराना है, कोई भी ऑपरेशन कराना है, मेरे पास आ जाओ यार. इसी चाकू से कर दूंगी मैं इतना सुंदर ऑपरेशन. ठीक है, और केक दिखाती हूँ केक कैसा लग रहा है. ठीक है, कैसे दिखाऊं? ये देखो, ये रहा हमारा केक.
दिख रहा है? यार सैंटा तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। गाइस, आपको तो देख के पता चल ही रहा होगा कि आज सारा दिन भर में मैं कितनी कैलोरी खाने वाली हूँ। तो यार मैं चाहती हूँ अभी मैं कुछ ऐसा पीऊँ जिसके अंदर ज़्यादा कैलोरी भी ना हो, साथ ही में ये हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो आज मैं पीने वाली हूँ ऑरिक की हेयर बूस्ट एंड स्किन रेडियंस जूस। गाइस ये दोनों जूस ही बिल्कुल 100% नेचुरल है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, कोकोनट वाटर है, साथ ही में ये बिल्कुल ही प्रिजर्वेटिव, एडेड फ्लेवर, कलर फ्री है, साथ ही में ये शुगर फ्री भी है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 कैलोरी होता है। स्किन रेडियंस जूस के अंदर गोटू कोला है जो हमारी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है, साथ ही में एलोवेरा एंड वेटिवर हमारी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉटलेस बनाता है, साथ ही में आंवला एंड टर्मरिक कोलेजन को भी बूस्ट करता है। एंड हेयर बूस्ट जूस के अंदर है ब्राह्मी जो हमारे हेयर फॉल को काफ़ी रिड्यूस करता है, साथ ही में आंवला हमारे स्कैल्प को क्लियर एंड क्लीन रखता है, एंड एलोवेरा हमारे हेयर को बिल्कुल सॉफ्ट, सिल्की एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो या मैं अभी इसी को पीने वाली हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि आयुर्वेदिक चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, बट मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। शुगर फ्री होने पे भी यार ये इतना ज़्यादा यम्मी है। अगर आप मेरी कोड यूज़ करते हो एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक से इसको परचेज करते हो देन आपको 25% ऑफ भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके शॉपिंग कर लो क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। वेट लॉस, पीसीओडी, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारी जूसेस अवेलेबल हैं। आपको तो पता ही है कि आयुर्वेदिक चीजें लॉन्ग टर्म में काम करता है, तो आपको इसे रेगुलरली पीते रहना है एंड मेरी गारंटी है कि ये जरूर काम करेगा। क्या आपने देखा क्या लग रहा है क्या है ये केक? सैंटा वाला केक है यार, मतलब रियल में सैंटा ही लग रहा है ना, बताओ मुझे बस। तो मैं एकदम रेडी हो गई हूँ गाइस, मैं बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह दिख रही हूँ, देखो दिख रही हूँ ना, और साथ में मेरे कौन है, सैंटा है यार। क्रिसमस ट्री भी रेडी है आपकी और सैंटा भी रेडी है, तो इस केक को हम अभी इंजॉय करने वाले। सबसे पहले मैं बताऊँ, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो ना सैंटा का जो हैट है, तो इस ये ना एक्चुअली कप केक से बना हुआ है, मतलब इसको आप एक एक करके उठा सकते हो ऐसे करके। Isn't it so cute? यार सैंटा की जो दाढ़ी है ना, वहाँ पे इतना सारा क्रीम है कि मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे मुंह लगा के खा लूं, बट नहीं करूंगी मैं वो, डोंट वरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सैंटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके ये रहा सैंटा की दाढ़ी। तो देखो मेरे मुंह में अगर ऐसा दाढ़ी होता तो मैं कैसी लगती, अच्छी लगती ना, बताओ बताओ। सैंटा का दाढ़ी इधर था, मेरा दाढ़ी इधर आ गया, तो क्यों क्लीन करना है ना। तो थोड़ी बात सैंटा जैसे तो मैं लग ही रही होंगी, अगर मैं सैंटा जैसे इतना सा भी लग रही हूँ ना, लाइक करो वीडियो को यार।
स्वेयर मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, बिल्कुल भूख नहीं लगी है। फिर भी ये मैं लेके आई थी तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि देख के यार खाने का मन भी होता है, क्योंकि रेड वेलवेट केक है यार। ये जो इसके ऊपर जो क्रिसमस ट्री बना हुआ है ना, इसको देख के तो मुझे लग रहा है कि ये व्हाइट चॉकलेट है, और इसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी लगे हुए हैं, तो देखते खा के कैसा है। व्हाइट चॉकलेट है गाइस। गाइस आप देख सकते हो मैंने आधा खाया है और ये आधा मैं रख दूंगी, क्योंकि यार सच्ची बोल रही हूँ मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, तो पहले मैं इसको हजम करूँ, अगर जगह बना तो डिनर में मिलती हूँ आपसे। नहीं यार डिनर तो मैं करके ही छोड़ूंगी, क्योंकि इतना अच्छा वाला केक है ना डिनर के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। तो डिनर तक वेट कर लो, मिलते हैं डिनर में, तब तक ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में खा लूंगी। सो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरी डिलीशियस डिनर लेके। यार मैं तो कब से बिल्कुल क्रिसमस ट्री बन के बैठी हूँ, मतलब ऐसे मैं खड़ी हो जाऊं तो कोई पहचान नहीं पाएगा मैं हूँ या फिर क्रिसमस ट्री हूँ। बट अभी डिनर में मैं लेके आ गई हूँ दूसरा वाला क्रिसमस ट्री। यार कितना सुंदर लग रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है गाइस। मतलब ये जो केक है ना, लिटरली दूर से देख के आपको यही लगेगा कि बिल्कुल क्रिसमस ट्री है, और इसके ऊपर छोटे 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 स्पार्कल्स हैं रेनबो वाले। साथ ही में ये बाहर से तो क्रिसमस ट्री जैसा है, बट अंदर से ना ये बिल्कुल ही चॉकलेटी है। मतलब बाहर से क्रिसमस ट्री ग्रीन ग्रीन और अंदर से चॉकलेटी लाइक मेलडी। तो चलो इसको अभी हम कट करेंगे। आई विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। निकल जाओ, ओ निकल गया। इट्स सो यम गाइस, इट्स सो यम। देख रहे हो ना ये बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही अंदर से चॉकलेटी है, एंड कितना ज्यादा यम्मी लग रहा है यार। उसके अंदर रियल वाला स्ट्रॉबेरी है, रियल स्ट्रॉबेरी गाइस। बात नहीं कर सकती, बट ये बोल सकती हूँ कि मेरा जो क्रिसमस स्पेशल डिशेस था ना, ये जो केक्स मैंने खाए हैं ना, सारे बहुत अच्छे थे, और लास्ट वाला तो एक्सट्रीमली अच्छा था। तो आज का दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया, एंड आई होप कि वीडियो देख के आपको भी मज़ा आया। क्या से बात करती हूँ यार मैं। आई होप कि वीडियो को देख के आपको भी मज़ा आया। क्या आपको भी केक्स खाना पसंद है? क्या आप भी ये वाला केक खाना चाहोगे मेरी तरह? तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो, एंड कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ, वही बना दूंगी। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया यार, बिल्कुल मुफ्त है, कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मुझसे बातें करना है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे बातें करेंगे। Bye, love you. Cake वाली किसी सबको। Bye bye, Neil Hearts.
गाइज डोंट फॉरगेट टू चेक ऑरिक जूस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑरिक बिल्कुल ही हेल्दी एंड नेचुरल है एंड यहाँ पे सिर्फ स्किन एंड हेयर के लिए ही नहीं, PCOD, PCOS, वेट लॉस और भी बहुत तरह के ड्रिंक्स आपको मिल जाएंगे. सो डू चेक इट आउट एंड मेरा कूपन कोड ND25 यूज कर लो फॉर 25% ऑफ.